बीमार व्यवस्था, कई घंटे तक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए चक्कर काटते रहे परिजन, देखते ही देखते हो गई बच्चे की मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में बच्चे डेंगू, मलेरिया और वायरस बुखार का शिकार बन रहे। ऐसे ही एक मामले में एक 5 साल की बच्ची ने समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण दम तोड़ दिया। इस 5 वर्षीय बच्चे का परिवार सुबह 8 बजे से उसे भर्ती करने के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन निर्मम व्यवस्था के आगे उनका जोर नहीं चला। परिजनों को कभी अस्पताल परिसर में इलाज के लिए कभी ऊपर तो कभी नीचे भेजा जाता रहा। आखिरकार 11:40 पर मौत के खिलाफ ये बच्ची जंग हार गई। बच्चे की मृत्यु के बाद बेबस परिजन एम्बुलेंस में शव लेकर चले गए। एक अन्य घटना में एक और लड़की के अस्पताल के बाहर मौत हो गई। गौरतलब है कि यूपी के फिरोजाबाद जिले में और कुछ अन्य जिले इस समय वायरल और डेंगू बुखार की चपेट में हैं, और इसके कारण बच्चों सहित कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। फिरोजाबाद में बुखार के कारण मौतों का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया है। जिलाधिकारी ने चिकित्सा सुविधा मामले में लापरवाही बरतने पर 3 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है। इस माह के प्रारंभ में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का 11 सदस्यीय दल भी बुखार के कारणों का पता लगाने के लिए फिरोजाबाद पहुंचा था। सदर विधायक मनीष असीजा का बुखार के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी फिरोजाबाद सहित यूपी के कुछ अन्य जिलों में वायरल एवं डेंगू बुखार के प्रकोप पर चिंता जता चुकी थी। उन्होंने 2 सितंबर को ट्वीट में कहा था कि लोगों को हर संभव स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। लेकिन कितने सारे बच्चों और लोगों को इस बुखार के चलते नहीं बचाया जा सका। बीमार व्यवस्था की वजह से लोगों की और बच्चों की जान चली गई।